स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है, मेडिकल और नॉन मेडिकल का भी। सीबीएसई का 26 को निकलने वाला है, सीबीएसई का 26 या 28 तारीख को निकलने वाला हैगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिहड़े हैगे एस्पिरेंट है कि नर्सिंग की जाए या स्ट्रीडिया जाया जाए। एक कैटेगरी वो है जिहड़ी प्लस टू कर चुकी है, कोई आर्ट्स नाल है, कोई मेडिकल नाल है, कोई नॉन मेडिकल दे नाल है। तो कुछ कैटेगरी मैं पिछे भी वीडियो बनाई सी, उहदे विच ऐसी कैटेगरी हैगी कि जिहड़ी इत्थे कुछ कर चुकी है तो अगे जा के फिर आस्ट्रेलिया जाना चाहती है, तो कुछ ऐसी कैटेगरी है कि जिहड़ी तकरीबन पिछले 8-10 साल पहला जा चुकी है तो हुण उहदा कोई प्रॉब्लम आ रही है उसनूं आस्ट्रेलिया दे विच। आपां पहली प्रॉब्लम ये लैंदे हैगे कि बहुत सारे बच्चे खासकर आपां पंजाब, सबसे पहले हम पंजाब हरियाणा लेते हैं जहाँ पे हर स्टूडेंट को सबसे अच्छा ह्यूमनिटी स्ट्रीम लगता है आर्ट्स, और वो मिंट में जीएनएम कर लेता है क्योंकि जीएनएम के लिए मेडिकल नहीं चाहिए इंडिया में, कंपल्सरी नहीं है, तो वो ह्यूमनिटी आर्ट्स करता है तो उसके बाद उसने जीएनएम कर लिया। अब जीएनएम वाला चाहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अब जीएनएम वाले का बैकग्राउंड क्या था, आर्ट्स था, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। जो पिछले स्टूडेंट्स ने डेस्कटॉप रिसर्च नहीं की, आप एक मिनट ध्यान रखिए, मेरी बात का विश्वास ना कीजिए, यहाँ पे आइए देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया फियर डिपोर्टेशन, पॉलिसी एकदम बदल गई, स्टूडेंट वहाँ नर्सिंग करने गए ऑस्ट्रेलिया में, ये आप इसको क्लिक कीजिए और आपको नज़र आएगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, मैं नहीं बोल रहा, अगस्त 9, 2010, इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस से स्टूडेंट आए थे मगर वहाँ इंग्लिश का जो एकदम स्कोर जो था एकदम, यानी कि नर्सिंग और मिडवाइफरी बोर्ड पहले 6.5 लेता था, वो आज 7 लेने लगा है, तो उनसे एकदम धक्का पहुँचा। तो उसकी वजह से जो वहाँ नर्सिंग कर रहे थे, अब अगर वो 7 बैंड नहीं ले सकेंगे तो वो PR भी नहीं हो सकेंगे और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगी, तो ज़्यादा लोग इंडिया, चाइना, थाईलैंड और फिलीपींस से आते थे। अब आते हैं, हूँ असी पिछे आते हैं दोबारा, उन्होंने दिनों में ही अगस्त 10, 2010 की खबर होनी, बिल्कुल ठीक है, इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया फी डिपोर्टेशन, ये देखो सामने लिखा है, हूँ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट वास्ते स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर दिते गए, ये भी तुसी देख रहे हो, साढ़े सामने ही है, आ देखो सामने है, ये अगस्त 9, 2010 का हैगा, अखबार का हिंदू है, तो ये साफ स्पष्ट लिखा है कि ब्यूरोक्रेटिक स्टैंडर्ड के हिसाब के नाल नर्सिंग के मिडवाइफरी बोर्ड ने 6.5 to 7 कर दिता, तो एक स्टूडेंट जिहड़ा हैगा वो पूरा प्रोफिशेंट इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए हैगा। तो ये दस्या कि ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड किंगडम दी उदाहरण लै रहे हैं, तो हौली हौली वो नहीं चाहते इंडियन नर्सिज PR दिती जाए, तो वो थोड़ा जहा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये थोड़े सामने ये चीज़ आई। अच्छा हूँ वापस आते हैं इस टॉपिक, तो इस चीज़ तो ये क्लीयर हो गया कि अज की डेट के अगर इंडियन नर्स जाना चाहती है बार, इंडियन नर्स मैं हजे प्लस टू की नहीं गल कर रहा, उन्हें GNM की हुई है तो वो बार जाना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया च जाना चाहती है, तो नैचुरली दो तरह की कैटेगरी है, एक दे नालो कंट्रोल नर्स बनेगी तो दूसरी जिहड़ा हैगा वो रजिस्टर नर्स बनेगी, दो तरह की कैटेगरीज है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसैस है तो एक जिहड़ा हैगा स्टडी का प्रोसैस हैगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसैस वास्ते उसनू इंडिया दे विच ही OET B लैवल करना पेगा, वह भी बस हूँ थोड़ी जी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई सी इंडिया के नर्सिंग स्टूडेंट को, वह भी खत्म हो जानी है, तो IELTS दे विच 7 बैंड लेने पैने अगर उसने उत्थे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने तो पहला GNM नू की करना पैना हैगा, उन्होंने कोई कोर्स दे विच ट्रेनिंग दी जाएगी, उहदे लई एलिजिबल हो जाएगी। पंजाबी जिहड़ा बच्चा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पढ़िया है वो 7 बैंड कितों लै सकेगा, तो बी ग्रेड OET किवें लै सकेगा, बेहतर जान दिओ तुसी, तां आपां तुसी ये अंदाज़ा ला लो। हुण दूसरी गल, बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आ रहा है मैनू 2010
2011 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ 5:30 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ GNM ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ GNM ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਤੋ ਜੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਉਸਕੀ। ਇਹ ਬਿਟਰ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ GNM ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 2010 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੋਰਸ ਵਾਂ ਕੀਆ, ਤੋ ਜੈਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ ਮੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਕਿਲਡ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸੋ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਨਰਸਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਡਰ ਕੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕੀਆ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਐਲਡਰ ਕੇਅਰ ਕੋ ਵੀ ਬੀਚ ਮੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਗਿਆ, ਸਕਿੱਲਡ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਤਰਫ ਰੁੱਖ ਕੀਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਸਕਾ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇ ਗਏ ਥੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੇ ਲੀਏ PR ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2018 ਮੇ ਉਨਕੋ ਡਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਐਸਾ ਜਾਣੇ ਕਾ ਵੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੁਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸਕੋ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਈਂਗ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏ। ਅਬ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੋਲਦਾ ਬਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਤੁਨੇ ਨੈਨੀ ਕਾ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੋ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਟੀਚਰ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਮੇ ਕਹਤੇ ਕਿ ਜੋ GNM ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ, MSc ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਨੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਤੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਤੋ ਉੜਾ ਆੜਾ ABC ਆਤੀ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਭੂਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਨੈਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸਕੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹਮਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਤੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨੋਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਕੀਆ ਹੋਤਾ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ। ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੀਥਰ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਨਰਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਭਈਆ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਕੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਸੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੇ ਥਰੂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੇਸ ਪੇ ਨੈੱਟ ਪੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਆਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੇ ਵਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ। ਅਬ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ +2 ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। +2 ਕੇ ਬੇਸ ਪੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੇਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਮੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੇ, ਯੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਧਿਆਨ, ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਥ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੀ, ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲਓ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ GNM ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ GNM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ BSc, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ GNM ਨੂੰ BSc 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਿਦ ਪਰੂਫ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਦੂਸਰੇ,
कैटेगरी वाले भी वो जड़े बेचारे निराश हो रहे हैं, कभी वही डी दी साइड देख रहे हैं, कभी कितने बी ग्रेड नहीं ले पा रहे, सत बैंड आइज नहीं ले पा रहे, तो वो भी जो प्लस टू फ्रैश हैं चाहे वो मैडिकल है चाहे नहीं है, तो कैनेडा का रुख कर लैन नैनी करके तो ज़्यादा बैटर रहेगा। तो आज स्टूडेंट्स में यह सुनिया सी कि वो साड़ी अवेयरनैस भीडियो में लाइक करन, शेयर करन, सबसक्राइब करो, क्योंकि ये एक अवेयरनैस भीडियो है जो कि सोशो इकनोमिक स्टेटस न जुड़ी हुई है। आस्ट्रेलिया जाने वास्ते हर लड़का इच्छुक है, वो योजी लड़की की भाल च रहा है कि जिसने पर्याप्त नंबर के बैंड ले हो पर्याप्त कोर्स जी एन एम किया हों, कई बार उन्होंने पता ही नहीं लगता जी एन एम किया हों पर उन्ने बैंड नहीं होंगे, विह हो जाता, विह तो बाद फिर वूमेन सैल के कंप्लेट होंगी है, तो कुछ इस तरह कोई उधर चले जाते हैं, उधर जाके लड़का उन्होंने की करता डिपेंडेंट वीजे के उपर, तो फिर दोबारा एन आर आई विंग कंप्लेट करते हैं। योजना हजार उदाहरण है, कहण की लड़ नहीं, नैट के उपर डाउनलोड करो या अपने डिस्ट्रिक्ट के उत्तर चले जाओ देख लोगे तुम उतों के एस एच ओ साहब न मिलकर। अवेयरनैस भीडियो है तो कि वो हाल ना हो जो दो दो हज़ार दस हो, मैं कहाँगा कि बेहतर है, फ्लैक्सीबल है अभी रेट में कैनेडा, तो नैनी लिविंग केयर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तुहाडे लई, सैलिंग प्रोडक्ट है, अजे हॉट सैलिंग प्रोडक्ट है, इस करके मिथ ना रखो, वहम ना रखो, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ना रखो। डैस्कटॉप ये डैस्कटॉप है, ये उपर रिसर्च करो, तो सारे चीज़ा मिल जाएंगी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता लगे। किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री के फेवर या डिसफेवर में मैं नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो वेव जा रही है उससे क्या है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, डाइवोर्स होता है, लोग हिट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे पर कहते हैं भी मैं तुम्हें देख लूँगा, कोर्ट में देख लूँगा, तुम्हारा वेग देख लूँगा, और एक बार बंदा बाहर चला गया तो इंटरपोल के पास ही चला जाता है बात, और फिर हमारी डॉटर्स पैरों में रुलती हैं। तो बेटर है कि ये 2010 वाली ऑप्शन फिर दोबारा ना हो, आपने डिसाइड करना है। सिर्फ एक किसी के गोल्डन चेन डाली हुई है और वो कहता है कि मैं वहाँ थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, तो जो ऑस्ट्रेलिया में हैं भी पिज़्ज़ा शॉप पे हैं, कार वॉश पे हैं, स्टीवर्ड बने हुए हैं, लड़के और लड़कियाँ लेबर क्लास में हैं, पढ़े लिखे हैं, नर्सेज हैं उनको क्योंकि लाइसेंस मिल नहीं सका, रजिस्टर्ड नर्स बन नहीं सके, पेट्रोल पंप पे हैं, तो क्या फ़ायदा। आप घर वालों को और आपने साथ वालों को झूठ बोलो, और आप फिर डरो बाद में कि जब डिपोर्ट होंगे हम इंडिया में नहीं आएंगे, वहीं पे दिल्ली कर रहे हैं, या अगर आ गए इंडिया में तो आगे पीछे कहीं सिंगापुर वगैरह में सेटल होंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप फ्यूचर प्लान कीजिए, लाइफ में जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन की लिस्ट है कैनेडा ऑस्ट्रेलिया या बड़े बड़े देशों की, वो स्टैग्नेंसी में चली गई तो वही रहेगी। अगर वहाँ पे आप जैसे लोग ज़्यादा जाते रहे, नर्सेज ज़्यादा रही, डॉक्टर जाएंगी, तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन में किस टाइम कौन सी कैटेगरी निकाल दी जाए पता नहीं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।